सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है वुमन बाजार में। आज कुछ अलग वीडियो आप लोगों के लिए, जो बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, वीडियो देखने वाले जो हमारे व्लॉगर्स हैं, उनकी भी एक ये मतलब काफी टाइम से तमन्ना थी कि सर आपकी जो फ्रेंचाइजी की एक वीडियो नहीं बनी है। तो फ्रेंचाइजी लेवल पे ऑलरेडी काम चालू है, 40 से 42 फ्रेंचाइजी पहले से ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में, एरिया के हिसाब से दिए जा रहे हैं। आप जिस किसी को भी, आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि डिजिटल एलिवेशन चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर किसी एक व्यूवर्स का भी अगर समझो हमारा सार्थक फ्रेंचाइजी अगर सफल होती है तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक होगा। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। जो लोग कपड़े के रिलेटेड नहीं है फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो भी अगर हो सकता है आपका वीडियो, एक वीडियो शेयर करने से आप 10 लोगों को वीडियो शेयर करते हो, 10 में से अगर समझो किसी एक का भी अगर काम बनता है और वो इस लाइन में इंटरेस्टेड हो और वो कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और उनके पास कोई टेक्सटाइल की लाइन नहीं हो, कोई ब्रांड से वो जुड़े हुए नहीं हो, तो आप अगर उनको अगर इस तरह की वीडियो अगर शेयर करते हैं, उनका काम बन जाता, तो समझो आप किसी एक आदमी का भला करते हैं, तो आपके जीवन में भी बहुत मतलब धन्य होगा और आप भी बहुत पुण्य के भागी होंगे। चाहे जी किस तरह की है, क्या स्कीम है, कैसे सेल होगा, हमें कैसे लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी मैं आपको बताता हूँ। आज डिजिटल सेलिंग का जमाना है, ऑनलाइन सेलिंग का जमाना है। आप अगर समझो ये जरूरी नहीं है फ्रेंचाइजी आपको मार्केट के कोई बड़े या शॉप में या महंगे रेंट वाले शॉप में या बड़े कोई एक्सक्लूसिव मॉल में लेनी होगी, आपके पास कम से कम 400-500 स्क्वायर फुट का शॉप होना जरूरी है। एरिया कौन सा है वो कोई मायने नहीं रखता है, आपके पास क्वालिटी अगर बेटर है। समझो आज मैं सूरत के अंदर बैठा हूँ और पूरा मार्केट रिंग रोड है, 250 मार्केट से अलग हटके अंदर की मार्केट में सबसे लास्ट की अगर गली में बैठा हूँ, लास्ट की 10 दुकानें लेके बैठा हूँ, फिर भी मेरे पास आप लोग आ रहे हो, आप लोग ऑर्डर भी कर रहे हो, पिछले एक साल से आप वीडियोस देख रहे हो, कस्टमर के रिव्यू भी देख रहे हो, कितने लोगों ने फ्रेंचाइजी लिए, कुछ फ्रेंचाइजी के जो हमारे जो क्लाइंट है उनकी भी हमने वीडियोस डाली है, वुमन बाजार आप सर्च करके देख लीजिएगा, तो उनका भी रिव्यू कैसा है। तो आप जान सकते हो कि डिजिटल मार्केट जो अभी मार्केटिंग जो चल रही है, ऑनलाइन का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, इन फ्यूचर ये चलना ही है, ये कम नहीं होना है, बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर ये चीज अगर समझो लोग मार्केट में जाके 500 रुपए में खरीद रहे और आप अगर उसी चीज को 500 रुपए में उनके घर पे पहुंचा रहे हो, तो लोग मार्केट में जाना, वहां के आने जाने का, ट्रेवलिंग एक्सपेंसिव का क्यों वेस्ट करेंगे। अगर जो चीज समझो ये चीज अगर मार्केट के अंदर आज सूरत में मैं अगर 300 रुपए में बेच रहा हूँ, वुमन बाजार की अगर इसकी सेलिंग प्राइस 300 रुपए है, अगर आप 300 रुपए में अगर वहीं पे वो चीज अगर 300 रुपए में सेल कर रहे हो, तो डेफिनेट है वहां के आपके जो आसपास के 50 गांव है, समझो आप कोई छोटे शहर में भी अगर फ्रेंचाइजी ले रहे हो, आपके आसपास में 50 या 100 गांव है जहाँ पे साड़ियों की मार्केट अच्छी है या कुर्तियों की मार्केट अच्छी है। 5 वेराइटीज होती है टोटल हमारे पास में, गाउन, सूट, साड़ी, लहंगा, दुपट्टा। तो आप ये 5 वैरायटी में से कोई भी अगर फ्रेंचाइजी कोई भी एक आइटम की भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। 15 लाख अबव आपको इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना होता है, यानी कि 15 लाख का इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े, इन्वेस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जो है बता रहा हूँ, 400-500 स्क्वायर फुट का शॉप होना कंपलसरी होता है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए एक लिंक जो है उसके अंदर एक फॉर्म फ्लिप दिया हुआ है, वो आपको फॉर्म जो है फ्लिप करना है। सही दोस्तों, वो फॉर्म आप फिलअप करेंगे, वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स मांग ली जाएगी, डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी फॉर्म फ्लिप की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो सर और सेल कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए दो तरह की चीजें होती है कि एक तो आपने ये सोच लिया कि मुझे सिर्फ फ्रेंचाइजी ले लिया, आप तो अपने आप बैठे बैठे माल बिक जाएगा, नॉट इज पॉसिबल। आपको भी उतनी मेहनत करनी है, हमारा सपोर्ट तो 100% है ही है। आप किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, सिंपल सा एक आइडिया मैं सिर्फ आपको यहाँ पे देता हूँ, बाकी तो देखिए हमारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि माल नहीं बिका तो भी वापिस करना, एनी हाउ क्वालिटी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी कस्टमर को, जिस कस्टमर को आप सप्लाई करते हैं उस कस्टमर को बोलो डायरेक्ट भी आप कंपनी में, हर एक पीस पे लेबल आता है, टैग आता है, ईमेल आईडी होती है कंपनी की, आप खाली फोटो भेज दीजिए, फ्रेंचाइजी से आपने परचेज किया है
रिटेलर अगर कोई है तो डायरेक्ट यहाँ पे भी रिटर्न कर सकता है। फ्रेंचाइजी ने जो प्राइस में आपको प्रोडक्ट दिया वो प्रोडक्ट में उसी प्राइस में आपका प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ जो वुमन बाजार में जो प्राइस में बिक रहा है उसी प्राइस में वहाँ पे प्राइस में वहाँ बिक रहा है तो उसी प्राइस में ही वो प्रोडक्ट जो है रिटर्न। तो सर जैसे वहाँ का कोई कस्टमर है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया तो उनका नुकसान है? उसमें कैसा सिस्टम होता है कि जैसे समझो हम एक एरिया निश्चित होता है, अगर बड़े शहर में है तो कम से कम 3-4 लाख वाला आबादी वाला इलाका जो है उसके अंदर से अगर कोई भी इंक्वायरी करते हैं तो हम फ्रेंचाइजी का ही एड्रेस देते हैं। सपोज जैसे मुंबई से किसी ने फ्रेंचाइजी ली, अगर वहां से कोई कॉल आया, जैसे अभी हमारा दादर में फ्रेंचाइजी है या समझो उल्लासनगर में है तो उल्लासनगर एरिया के अंदर जिसका फ्रेंचाइजी है तो उसी का ही एड्रेस जाएगा। आप यहाँ पे भी इंक्वायरी करोगे ना तो पहले हम जैसे पूछते हैं यहाँ पे आपसे कि सर आपका एरिया कहाँ से बात करो, आप अपना व्हाट्सएप पे विजिटिंग कार्ड भेजो या आपका नाम या एरिया लिख के भेजो, तो हम पहले फ्रेंचाइजी ऑप्शन होता है उसी को ही देते हैं। ओके ओके, आपकी इंक्वायरी वही जाएगी, आपको वहां पे उसी रेट में माल मिलेगा जो इस रेट में यहाँ पे आपको सूरत में वुमन बाजार में जो मिलता है उसी रेट में वहां मिलेगा, आपके घर तक भी डिलीवरी आएगा, सेम सिस्टम रहेगा। अगर फ्रेंचाइजी समझो कोई भी इन्वेस्टमेंट करके फ्रेंचाइजी लेता है उसको भी डिलीवरी सिस्टम 100% रखना ही पड़ेगा क्योंकि ब्रांड का रूल ही ये है। राइट सर। सेकेंड थिंग, आपको डोर टू डोर सर्विस, कस्टमर को वहां जाके आपके एरिया में कितने शॉपकीपर्स है मार्केटिंग भी करनी है, जाके भी आपको कस्टमर्स को सैंपल्स वैरायटीज कॉन्सेप्ट्स और हमारी रेट दिखानी है ताकि कस्टमर को पता चले कि वाकई में इस रेट में मतलब हम जो खरीद रहे उससे कम रेट में लोग हमें यहाँ लाके दे रहे हैं। राइट सर। फ्रेंचाइजी के लिए खास बात यह है कि एक हमारी अलग से एक टीम जो है तैयार की गई है, इंटेलिजेंट टीम है जो आपके पास में आएगी, आपके जो टीम है आपकी जो सेल्स टीम है आपके जो बंदे हैं उनको किस तरह से सेल करना है, कस्टमर से कैसे बात करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, वहां पे आपके क्षेत्र में एड किस तरह से करना है लोगों को पता चले कि वुमन बाजार की फ्रेंचाइजी यहाँ पे ओपन हुई है, ऐसी ब्रांड है और इस तरह की क्वालिटी में डील करती है, सारी जो चीजें हैं अगले 12 महीने तक, आज आपने फ्रेंचाइजी लिया 12 महीने तक जो हमारी टीम आपको हर 1.5 महीने 2 महीने में 6 बार आपके वहां पे विजिट करके आपको ट्रेनिंग देगी। स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग है डेफिनेट बेस्ट ट्रेनिंग होने वाली है क्योंकि इंटेलिजेंट जो हमारे टेक्नीशियन है वो आपको गाइड करने के लिए 2-3 दिन जब तक आपको सेटिस्फेक्शन 100% नहीं हो जाता है तब तक वो आपके वहां पे स्टे करने वाले हैं। तो आपको डेफिनेट ये चीज तय करनी है कि मुझे इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूँ उसका 100% बेनिफिट मिलना चाहिए, और आप अगर जेन्युइन बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंचाइजी का जो इन्वेस्टमेंट है सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। किस तरह की मार्केटिंग है, कैसे एड करनी है, स्टार्टिंग का 1 साल आप फ्रेंचाइजी लेते हैं 1 साल तक हमारी जो टीम है 100% फोन पे भी आपको गाइडलाइन करती रहेगी। फोन पे तो एनी टाइम आप कभी भी रोज 1 घंटे ट्रेनिंग ले सकते हो किस तरह की मार्केटिंग करनी है, लेकिन पूरी पूरे आइडिया दिए जाएंगे, पूरा आइडिया जो है सेल्स का दिया जाएगा। 100% श्योरिटी तो देखो मैं नहीं कह सकता लेकिन 90% श्योरिटी देता हूँ कि जितने लोगों ने फ्रेंचाइजी ली है उनके काफी लोगों के वीडियो भी आए और इन फ्यूचर में आते भी रहेंगे। ये डिसीजन एकदम से लेने वाला नहीं है, सोच समझ के आप आराम से काफी सारे वीडियो कलेक्शंस वैरायटी डिसाइड करके एरिया क्षेत्र इन्वेस्टमेंट टारगेट सारी चीजें देख के आपको ये डिसीजन लेना है। एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जितने लोगों ने फ्रेंचाइजी ली है ना उन्होंने आज उनका जो रिश्यू है बढ़ता जा रहा है क्योंकि क्वालिटी में कोई किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हमारे यहाँ पे नहीं होता। लेकिन सर जैसे हम यहाँ पे देखे 15 लाख, सपोज चलो मैं हर्ष भाई हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैंने यहाँ पे 15 लाख लगाया है ठीक है फ्रेंचाइजी में, तो फिर मुझे वहाँ पे होलसेल का करना है कि रिटेल का करना है सर, ये क्या रहने वाला? ओनली होलसेल के लिए ही हम अप्रूवल करते हैं फ्रेंचाइजी के लिए। अगर समझो हम अगर आपने मुंबई में फ्रेंचाइजी ली है, मुंबई से अगर हमारे पास में उल्लासनगर में आपने फ्रेंचाइजी, क्योंकि बड़े शहर है वहां पे देखो एरिया के हिसाब से फ्रेंचाइजी होता है, छोटा शहर है तो शहर में एक ही फ्रेंचाइजी होता है, 5 लाख वाले आबादी वाला शहर है तो एक ही जगह होता है। ओके। तो उसके अंदर कैसा है कि समझो आपके पास जो क्लाइंट आएंगे ना जो हमारे यहाँ से इंक्वायरी करते हैं कि भाई हम उल्लासनगर से हम घर पे बेचने वाले व्यापारी हैं, 10,000 का माल चाहिए। ओके। तो हर्ष भाई उसके अंदर होलसेलर ही आएंगे, रिटेलर्स के लिए हम कोई भी किसी भी तरह का मतलब जो है वो एड नहीं करते। रिटेलर आप अपने बिहेंड से कैसे भी तैयार करके डाल सकते हो कि अलग अलग काउंटर बना सकते हो, एक डिपार्टमेंट होलसेल का एक डिपार्टमेंट रिटेल का, रिटेल की वेराइटीज कॉन्सेप्ट अलग होता है होलसेल की अलग, क्योंकि हमारे पास जो वेरायटी कॉन्सेप्ट होती है साड़ी में कम से कम 2,000 डिजाइन आपको मिलेगी, 1,000 डिजाइन में ओनली वर्क साड़ी में विदाउट कैटलॉग मिलेंगे, कैटलॉग में 1,000 वेरायटी मिलेगी, 2,000 से ज्यादा वेरायटी आपको अलग अलग डिजाइन है अलग अलग प्राइस के अंदर हर 5 से 5 रुपए 10 रुपए के डिफरेंस में
सपोज ये चीज अगर 300 रुपए की है, 310 में अलग वेरायटी, 320 में अलग वेरायटी, 350 में अलग, 365 में अलग, अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग वेरायटी, मतलब आपको अलग अलग वेरायटीज मिल जाएगी। 500 से ज्यादा फैब्रिक कॉन्सेप्ट और 10,000 से ज्यादा वेरायटी जो आज के टाइम में मेंटेन कर रही है वुमन बाजार। ओके सर, दुपट्टे में भी आपको कम से कम 1500 वेरायटी मिलने वाली, गाउन में आपको कम से कम 500 वेरायटी मिलने वाली, हर तरह का फैब्रिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि कलेक्शन देखो। अगर हमारे पास अब कि कुछ लोगों का ये भी होता है कि सर 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, किस तरह से डालें, तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप अगर कम इन्वेस्टमेंट डाल के अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। छोटे इन्वेस्टमेंट में हम धीरे 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 टाइम लगा के आगे आ सकते हैं, नो डाउट डेफिनेट। ये जरूरी नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। हो सकता है एक चीज जो समझो कि बड़ा व्यापारी एक साल में क्रॉस करता है तो उसके लिए हमें 2 साल लग जाएंगे। आज का आज फ्रेंचाइजी लेना जरूरी नहीं है। आप एक बार लाख का 50,000 का मटेरियल मंगवा के देखिए, उसके बाद आपको लगता है कि क्वालिटी में वाकई दम है और रिस्पांस मुझे मेरे एरिया में गुड मिल रहा है, उसके बाद में आप फ्रेंचाइजी। और सर जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बाद आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि सर देखिए, ये चीज ऐसी है कि फ्रेंचाइजी में अगर आपके पास 15 लाख का स्टॉक है तो कोई कस्टमर अगर किसी को 50,000 का माल होलसेल में लेना है तो समझो आपके पास माल ही अगर 1.5-2 लाख का है तो 50,000 में उसको कैसे सेट। एग्जैक्टली सर की बात सही है। 10,000 वेरायटी वुमन बाजार में, 10,000 वेरायटी है, कोई भी कस्टमर को 3,000 से ज्यादा वेरायटी सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि कस्टमर की सबकी अलग अलग चॉइस होती है। जो आपकी पसंद है वो मेरी पसंद नहीं है, मेरे पास इतनी आइटम है सारे मेरे पसंद की थोड़ी ना है। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से सब वेरायटी अलग 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 कपड़े के व्यापार में हमें रखनी पड़ती है। और ये ऐसी चीज है कि वेरायटी जितनी आपके पास ज्यादा होगी आपका काम उतना बढ़ेगा। एक ही आइटम का आपने 5,000 पीस डाल लिया, साड़ी का ही 50 लाख का माल डाल लिया, आपकी मार्केटिंग दब जाएगी, कम होगी। लेकिन आप 5-5 लाख का हर वेरायटी का माल डालो, 25 लाख की वेरायटी डालोगे तो आपकी मार्केटिंग जो है उसे आधे अमाउंट में भी बढ़ जाएगी। लेकिन सही बात है सर, आपके पास ज्यादा होनी बहुत जरूरी। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि फ्रेंचाइजी अगर कोई परचेस करता है, जैसे 15 लाख लगा है, जैसे हम देखते टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी रोटेशन वाली चीज है, जैसे 15-15 दिन में कुछ नई नई वेरायटीज आए, तो आपके यहाँ से 15-15 दिन में कुछ किस कॉन्सेप्ट भेजा जाएगा वहाँ पर? 100% समझो सर, 15 दिन में वो भी तो कुछ 4-5 लाख का अगर वो लोग सेल करते हैं तो जितना सेल होता है उतना मंगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्डर 15 लाख का, फर्स्ट आपके पास 15 लाख का स्टॉक एनी टाइम अवेलेबल होना जरूरी है। ओके ओके सर की बात सही है। 15 लाख का स्टॉक एनी टाइम अवेलेबल होना जरूरी है। तो आपने समझो 20 लाख का परचेज किया, 5 लाख का सेल हो गया और 5 लाख का नया स्टॉक क्या आया वो मंगवा लिया। हमेशा आपको नया पुराना हर 5-7 दिन में करते रहना है, तभी आपका जो है व्यापार चलेगा। आज अब समझो कोई घर में बेचने वाली लेडीज है, फ्रेंचाइजी से किसी ने 25,000 का माल परचेज किया है, अगर वो 25,000 का माल उसका बिक गया, वो 7वें दिन नया माल खरीदने आती है, तो उसको अगर नई वेरायटी नहीं दिखेगी ना तो वो आपके पास नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। इसलिए हमेशा नई वेरायटी होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग जो है डिजाइने ज्यादा रखते हैं। आप समझो मैं कुर्ती में सिर्फ 50 डिजाइने बना के और 50 लाख पीस बना लूं तो क्या आपको लगता है कि मार्केटिंग इतनी जबरदस्त हो पाएगी? नहीं, हर आइटम के 500-500 पीस ही बनेगा, लेकिन वेरायटी डिजाइने अनलिमिटेड बननी चाहिए, क्योंकि डिजाइने जितनी ज्यादा होगी, शायद आपको आज ये चीज नहीं पसंद है, दूसरी चीज पसंद आएगी, 100 वाली नहीं तो 200 वाली, 200 वाली नहीं तो 500 वाली, 500 वाली नहीं तो 600 वाली, 700 वाली, 1000 वाली, कोई चीज तो आपको पसंद है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही चीजें है, 100, 200, 500, तो फिर आपको कैसे पसंद आए? सर की बात एग्जैक्टली सही है। एग्जैक्टली ये चीज तो हर्ष भाई डेफिनेट है कि आप अगर समझो फ्रेंचाइजी नहीं लेते हो, आप अगर छोटा परचेज भी करते हो, नया बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो आपको डेफिनेट जाना ही पड़ेगा। आपका अलग से फेसबुक पेज होना चाहिए, आपका अलग से यूट्यूब पे आपका जो है चैनल होना चाहिए, फ्रेंचाइजी का भी हो या फ्रेंचाइजी नहीं भी हो, आप समझो दूसरे नाम से भी, अगर मेरे व्यापारी नहीं हो दूसरे किसी के भी आप सूरत से व्यापार करते हो, आज के टाइम में अगर समझो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग नहीं है ना, तो आपका जो काम है उतने मजेदार में नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की परिस्थिति क्या है हमें उसके हिसाब से चलना है। तो डेफिनेट ये बात होता है कि आपकी हल्की फुल्की एड भी आनी चाहिए मार्केटिंग के हिसाब से। सही, जैसे बाहर हम रोड पे देखते सर बैनर लगाना, देखते हैं बैनर लगाना होता है, जैसे फेसबुक वगैरह में भी पेज पे भी अपने अपने समझो नई वेरायटीज की फोटो डाल रहे हैं। लगभग मेरे हिसाब से 500 से ज्यादा हमारे ऐसे व्यापारी होंगे जो कोई शॉप नहीं है, कुछ भी घर जाके मतलब किसी को भी
मार्केट में ऐसा पीस ओपन करके नहीं दिखाते, सिर्फ यहाँ से माल मंगवाया, फोटो क्लिक किया, भेजा और डिलीवरी सीधा। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट करते रहते हैं, फोटो शेयर करते रहते हैं, उसपे से लोग मंगाते रहते हैं। फेसबुक पेज पे भी अगर वो समझो अपनी आईडी वगैरह पे भी अगर वो डेली रूटीन नई आइटमों का अपलोड करते रहते हैं तो उनसे भी मंगवाते रहते हैं। ऐसा भी अगर समझो रोज फेसबुक पे फोटोज देख के अगर आपका 10 पीस भी बिकता है, एक बात बताता हूँ, और एक पीस पे आप अगर 200 रुपए कमा रहे हो महीने का, 50-60 हजार रुपए कहीं जाने वाला नहीं है। Exactly. और आज 90% लोग, मेरा मानना अनुमान बता रहा हूँ, हर्ष भाई साहब गलत तो नहीं होगा, 90% से ज्यादा लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे कम होंगे। फेसबुक तो 90% हमारे देश की जो आबादी है 90% यूज करती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गांव देहात के होंगे, वो नहीं करते होंगे तो वो ऑनलाइन का जमाना नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन 100% ये तो श्योरिटी है कि अगर आप ऑनलाइन में आप कदम रख रहे हो तो आपको कोई फ्लॉप कर ही नहीं सकता, आप फ्लॉप हो ही नहीं सकते। आपको कोई मतलब आपकी प्रोडक्ट सेल करने से, आपको अपनी जो लिमिट इनकम है इसे रोकने से आपको कोई नहीं टाल सकता। तो सर जैसे यहाँ पे कई बार जैसे लोगों के फ्रेंचाइजी लेने से पहले सोचेंगे भाई अभी कंपनी की क्या मतलब रेपुटेशन है और आगे जैसे 2021 में क्या प्लानिंग कर रही है कंपनी सर? हर्ष भाई आप वीडियोस देखते हैं हमारी और भी वुमन बाजार के चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। लगभग इस लॉकडाउन के बाद में, COVID-19 के बाद के पीरियड में, हमने अभी तक किसी भी कस्टमर को कोई फ्रेंचाइजी का वीडियो नहीं डाला है, पहला वीडियो ही है हमारा। और फिर भी 40 से 42 आउटलेट हमारे नाम से फ्रेंचाइजी से खुल चुका है, तो आप समझ सकते हो कि लगभग 70 से ज्यादा फॉर्म अभी फ्लिप किए हुए पड़े हैं। तो आप समझ लीजिए कि कंपनी, देखिए मेन चीज क्या होती है हर्ष भाई, की क्वालिटी के अंदर ताकत होनी चाहिए। समझ रहे हो? आज एक बात बताता हूँ, छोटी सी चीज बताता हूँ, ये चीज है। अब आप इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे ना, पीछे अगर ये येलो साड़ी है तो इसकी जो स्टिचिंग भी येलो धागे से ही की हुई आएगी। ये होती है ब्रांड की खास बात, एक भी धागा इधर उधर निकला हुआ दिख जाए, ओरिजिनल काम है तो ओरिजिनल ही आएगा। कोई चिपकाया हुआ दे दिया बिना धागे का, ऊपर से कोई ऐसे पाइपिंग को चिपका के दे दिया, बिल्कुल क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। जिसके पास में भी हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है, लास्ट में रिटेलर के पास में, यूजर क्लाइंट के पास में, हमारे पास स्टेट फ्रेंचाइजी से समझो डीलर फ्रेंचाइजी से फिर यूजर के पास में, रिटेलर होलसेलर जहां पे भी पहुंचता है, जो क्वालिटी को वॉश करने के बाद में भी अगर कुछ भी दिक्कत आ जाती है ना, तो हम लोग बोलते हैं यूजर क्लाइंट को भी ईमेल आईडी हमारा पहुंचता है, टैग आता है पूरा ब्रांड का, वहां से भी हम पीस डायरेक्ट हमारे पास रिटर्न कर सकते हैं। 100% श्योरिटी आती है क्वालिटी की, और वो जो क्वालिटी की श्योरिटी है कस्टमर यूज करने के बाद में बोलता है कि सर कुछ भी हो, कहां से भी लिया, कितने लोगों से पहुंच के आया, लेकिन वुमन बाजार की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, इससे बढ़िया क्वालिटी हमने अभी तक नहीं दी, क्योंकि क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यानी कि एक तरह से क्या है कि हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हर यूजर क्लाइंट में जो भी मतलब अच्छी क्वालिटी, ब्रांड क्वालिटी या अच्छी चीज क्वालिटी वेस्ट प्रोडक्ट अगर यूज करना पसंद करते हैं तो उन तक हमारा प्रोडक्ट जो है पहुंच सके, इसके लिए हमने फ्रेंचाइजी में ऑनलाइन सिस्टम रखा है। फ्रेंचाइजी के सारे नियम्स, बहुत सारे लंबी वीडियो हो जाएगी इसके लिए, आपको बता देता हूँ, फोन पे आप गाइडलाइन ले सकते हैं, सूरत में जब भी आप आते हैं आप ये मेरी ऑफिस पे आके मिल सकते हैं। वुमन बाजार जो हमेशा बहुत सारे और भी वीडियोस आते हैं, क्या क्या किस किस तरह की प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट है वो आपको दूसरे और भी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बता देंगे। व्हाट्सएप पे आप फैब्रिक डिटेल्स, डिजाइने, कॉन्सेप्ट, रेट, प्राइस, दूसरे से कंपेरिजन सब चीजें आप व्हाट्सएप पे मंगा के कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी की जानकारी के लिए अलग से नंबर दिया हुआ है हमारी टीम का, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फॉर्म फ्लिप आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म फ्लिप कर सकते हैं आप लोग, उसके बाद में आपको सामने से कॉल आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी मतलब टेक्नोलॉजी और एक तरह से मैं बात करूँ थोड़ा सा ग्रोथ के पावर और क्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़ने वाली है। और नीचे जैसे सर ने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप आपको एक दिया है, जहाँ पे फॉर्म सबमिट करो वहाँ पे सर को कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ से चली जाएगी और सर सामने से यहाँ पे कॉल करने वाले, सामने से कॉल आ जाएगा। राइट, हो सकता है फॉर्म फ्लिप करने के 4-5 दिन बाद में आए, लेकिन आपको सामने से कॉल आ जाएगा। भले ही सेटिस्फेक्शन आपको हो या नहीं हो, कॉल 100% आएगा। आपको जानकारी जो है, आप फ्रेंचाइजी नहीं भी लेंगे तो भी कपड़े की सेलिंग की जो जानकारी है, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो फ्री में आप जो है जानकारी ले सकते हैं, उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं कि टेक्निकल जमाने के हिसाब से
हमारे क्षेत्र में हम रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, आपसे फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 50,000 का ही कपड़ा ले रहे हैं, या हमारे से नहीं भी ले रहे हैं, आप दूसरे से भी ले रहे हैं, तो भी हमें जानकारी का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ आप लोगों की मदद हो सके इसके लिए हमने नई टीम बिठाई है और 100% डेफिनेट जो है हमारी टीम आपको पूरी सेटिस्फेक्शन जानकारी देगी टेक्निकल सेलिंग की। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हम देख रहे वुमन बाजार, यहाँ पे क्वालिटी का लेके थोड़ा सा एक मैच्योर है, क्वालिटी बहुत ही और भी थोड़ा इंक्रीमेंट करना है, अभी तो मतलब A1 क्वालिटी ऐसा नहीं, बट फिर भी इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट लाने का सोच रही है 2021 के जो पायदान चालू होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि दोस्तों अभी का माहौल जैसे 21वीं सदी हम बात करें, टेक्नोलॉजी के साथ ही सिस्टम आगे बढ़ सकती, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। बट दोस्तों ये चीज आपको बहुत ही एक अच्छा 2021 जो चालू होने वाला 2021 में आप लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग, यहाँ से कई सारे ऑफर निकलने वाली है, कई सारी एक कंपनी बड़ी होने वाली, और अभी के हिसाब से सर ने यहाँ पे बताया फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप लोग आराम से इजीली इसे यहाँ से जुड़ सकते हैं, और जैसे कोई भी प्रोडक्ट को बेचने में कई सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि कैसे प्रोडक्ट दिखानी है, प्लस किस तरह से प्रोडक्ट को शो करना है, जैसे यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे प्रोडक्ट को जिस तरह से शो किया गया, दोस्तों कई सारी यहाँ पे चीजें होती है जिससे आप लोगों का बिजनेस ग्रोथ करता है, प्लस लाइटिंग कैसे रखनी है, डेकोरेशन कैसे करना है, प्लस कस्टमर को कैसे एक्वायर करना है, कैसे कस्टमर को लॉयल बनाना है, दोस्तों कई हजारों यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटी छोटी चीजों से बिजनेस बड़ा होता है, और दोस्तों ये सारी की सारी चीजें यहाँ सबको सिखाई भी जाने वाली है, और दोस्तों आप लोगों के लिए बिजनेस ग्रोथ होना, क्योंकि दोस्तों सीधी चीजें कई हम जैसे बड़े बड़े इंसानों से तो नहीं मिल सकते, जैसे आज मैं बात करूँ कई बड़े बड़े स्टार होते हैं या फिर कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप डायरेक्ट उनसे मिल नहीं सकते, बट डायरेक्ट अगर उनसे अगर वहां से जैसे अभी सर यहाँ से फ्रेंचाइजी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है पूरा आपको सिखा के एक उसका शॉर्ट में जो एक आंसर निकलता है पूरा पूरा आपको वो मिल जाने वाला, जिससे आपको बिजनेस करने में बहुत एक आसानी हो जाने वाली। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल में सर ने आपको तो बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पे नॉलेज दे दिया, और अगर आपने अभी तक नीचे जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया आपने फिलअप नहीं किया, जल्दी से फिलअप कर दीजिए, आप लोगों के लिए जल्दी से एक गुड न्यूज आने वाली, जहां पे मतलब सर आपको डायरेक्ट खुद सर यहाँ पे आपको कॉल करने वाले, जहां पर मतलब रिक्वायरमेंट एक फ्रेंचाइजी की एक अच्छा सा एरिया, क्योंकि कई सारी यहाँ पे क्राइटेरिया होगी, ऐसा नहीं कि हजार लोग आएंगे तो हजार लोगों को फ्रेंचाइजी मिलेगी, हाँ बट उसमें से क्राइटेरिया देखा जाएगा आपका लोकेशन कैसा है, आपके मार्केट कैसा है, आपके वहां पे मतलब परचेस करने वाले लोगों की संभावना कितनी, तो कई सारी चीजों को ध्यान में रख के आपसे इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा और आपके वहां पे एक फ्रेंचाइजी लेआउट ओपन होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के स्टूडियो में इतना ही, और आगे हम कल मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ, और जिसने यहाँ पे सर का और एक वीडियो आने वाला कल ही आने वाला, जहां पे कई खूबसूरत साड़ियों की वेरायटी, यानी कि जो फ्रेंचाइजी में जो आपको वेरायटीज मिलने वाली वो सारी यहाँ पे दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।